हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और इमाम हुसैन के साथ आपने करबला की जंग में शिरकत करी थी। जब हजरत कासिम बिन हसन मैदान जंग में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि कासिम तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज खोल कर दिया और कहा कि चाचा जान मेरे वालिद ने कहा था कि अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो ये ताबीज खोल कर देखना, और आज जब मुश्किल वक्त आया है तो मैंने ये ताबीज खोल कर देखा है। इसमें लिखा है कि अय कासिम अगर कभी हुसैन पर कड़ा वक्त आ जाए तो आगे आगे रहना, मेरे भाई को मेरी कमी महसूस न होने देना। इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को जंग में जाने की इजाजत दे दी और इस वक्त हजरत कासिम की उम्र महज 16 साल थी। हजरत कासिम ने दर्जनों दुश्मनों को जानूम हासिल करा, ये देखकर यजीद का लश्कर घबरा गया। उमर बिन साद कहने लगा कि अगर अकेले जाओगे तो कभी भी कासिम का मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैदान में हजरत अली का पोता है, सब एक साथ हमला करो। सारे दुश्मनों ने आप पर एक साथ तीर चलाए, एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और आप घोड़े से नीचे गिर गए और हजरत कासिम बिन हसन ने शहादत नसीब की।